जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जानते कौन होता है? मारवाड़ी वो होता है जो सबसे तेज होता है, और जो मारवाड़ी और सिंधी को सामान बेच दे वो होता है गुजराती, और जो गुजराती को भी सामान बेच दे वो होते हैं हमारे चंदन भाई। अभी हम खड़े हैं पटना में और मिलवाने जा रहे हैं चंदन जी से, क्या है पूरा डिटेल लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल पे, और मुलाकात कराते हैं उस व्यापारी से जो सिंधी मारवाड़ी और गुजराती को अपना माल बेचता हो। तो चंदन जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, जैसा कि हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आज जो ये वीडियो बनने जा रहा है और जो वीडियो होने वाला है वो आपका शर्ट का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो मेरा शर्ट का वीडियो होने वाला है, कोई भी व्यापारी कहीं भी वो बैठा हो, कहीं भी अपने गाँव में अगर कोई लोग बेरोजगार है तो वो अपना मात्र 1750 रुपये लगा के खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को सुन के मतलब आश्चर्य होगा कि 1750 में कोई अपना रोजगार कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अगर मान लीजिए बेरोजगार हैं तो 1750 जो कि मेरे यहाँ से शर्ट लेके जाएंगे 1750 रुपये का, और वो शर्ट वो बेच के डेली 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है सर आपके आपके चैनल पे हमको वीडियो बनाना है तो हम उसको बोल दें कि 1750 का सर आप माल लेके जाओगे, जो आपके व्यूअर होंगे उनको बोल दें कि 1750 माल लेके जाओगे और 2000 कमाओगे, तो ऐसा नहीं है सर। जो जेन्युइन बात है, ठीक है, वो अच्छा, शर्ट का शुरुआत है, स्टार्टिंग रेंज क्या है, कितने रुपये से शुरू होगा? सर मेरे पास एक ही रेंज का अभी शर्ट बन रहा है, और एक ही रेंज का हम पिछले 6 महीने से शर्ट बना रहे हैं, और बीच में मेरा 1 महीना कंपनी भी बंद हो गया था, तब भी अभी दोबारा से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ही रेंज में हम शर्ट बनाते हैं जो कि होता है 35 रुपये का शर्ट। तो गाइस 35 रुपये का इनसे शर्ट मिलेगा यहाँ पे, और 35 रुपये का शर्ट क्यों मिलेगा, क्या कारण है उसका हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर आप शर्ट सिलाने भी जाते हैं तो 200-250 रुपये तो शर्ट सिलाने का कीमत होता है और कपड़े का अलग होता है, तो इतना सस्ता शर्ट आप कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि देखिए, ये अगर वीडियो को कोई भी लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको बिजनेस के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिलेगा, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी वो समझेंगे, और ऐसा नहीं है कि स्किप करके चले जाएंगे तो उनको कुछ नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ से सर ऑल इंडिया माल जाता है, और जैसा कि लोगों को अगर हम बोल दें कि मेरे यहाँ से ऑल इंडिया माल जाता है तो लोगों को चाहिए प्रमाण, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेंगे तो हम उनको प्रमाण भी देंगे कि मेरे यहाँ से कहाँ कहाँ माल जाता है और क्या क्या माल, और बहुत लोगों का मतलब ये भी कमेंट होगा, जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि बहुत लोग क्या कमेंट करेंगे, तो बहुत लोगों का ये कमेंट होगा कि ऐसे ही है 1750 रुपये लेके मेरा माल नहीं आएगा, तो हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे यहाँ से ऐसा ऐसा हम आपको बिल्टी दिखा देंगे जो कि 1750 रुपये का माल, क्योंकि कोई भी लोग स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि सैंपल के तौर पे, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी पार्टी आता है तो उनका 4000-5000 का लॉस होता है, और टाइम का लॉस अलग से होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपना 50 पीस का सैंपल मंगाते हैं मेरे से। जितना भी आज मेरे पास व्यापारी हैं सब लोग स्टार्टिंग पीरियड में वही किए हैं, 50 पीस सैंपल मंगाए हैं, और आज के टाइम पे जो भी मेरा जो मतलब रेगुलर पार्टी हैं 400-500-1000-2000 पीस पूरे महीने का वो हमसे माल उठाते हैं, सप्ताह में मान के चलिए 400-500 पीस का माल वो हमसे उठाते हैं। जो 35 रुपये का शर्ट होने वाला है, सबसे पहले देखिए इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, और सबसे पहले उसको हम शर्ट को दिखाएंगे किस टाइप का शर्ट आएगा उनको और 35 रुपये में क्या शर्ट हम देंगे। व्यूअर मेरे परेशान है कि 35 रुपये में आप शर्ट दे कैसे रहे? नहीं तो वो तो बताएंगे ही सर, पहले हम क्या सोच रहे थे कि जैसे देखिए सर वो अभी हम बताएंगे कि हम 35 रुपये में शर्ट कैसे दे रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी के टाइम पे अभी थोड़ा ठंडा का टाइम चल रहा है, ठीक है, अब अभी जो मौसम है वो, क्योंकि अभी जो जाएगा शर्ट वो फुल शर्ट ही जाएगा, और 35 रुपये में ही देंगे लेकिन सारा का सारा फुल शर्ट देंगे, हाफ शर्ट एक भी नहीं देंगे, ठीक है, जो भी जाएगा सारा फुल शर्ट जाएगा। जैसे बहुत लोगों का रिक्वायर मतलब ये होता है कि सर हम आपके यहाँ ऑर्डर किए हैं और मेरे यहाँ पे हाफ शर्ट आ जाएगा, तो वैसा नहीं है सर। देखिए जो भी हाफ शर्ट है उधर देख लीजिए, सारा जो भी हाफ शर्ट है वो सब छटवा रहे हैं, और वो सब शर्ट अलग रखाएगा, और वो सब शर्ट निकलेगा फरवरी के बाद। अच्छा, तो थोड़ा सा दिखाइएगा क्या आपका क्या पैटर्न है, क्या कलर है, डिज़ाइन? देखिए इस टाइप का शर्ट आएगा सर, देखिए सिंगल गत्ता पैक होगा, और ये शर्ट मार्केट में आराम से सर 75 रुपये में बिकता है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि 150 में बिकता है 200 में बिकता है, किसी भी मार्केट में, चाहे वो दिल्ली का मार्केट हो, मुंबई का मार्केट हो, गुजरात का मार्केट हो, ठीक है, या तमिलनाडु साइड, हैदराबाद साइड, कहीं का भी मार्केट हो, ठीक है, सब कलकत्ता में भी ये शर्ट बिकता है मेरा, सब जगह रांची कलकत्ता सब जगह माल जाता है, और सब जगह ये बिकता है, और 75 में बिकता है, ठीक है, रेहड़ी पटरी का शर्ट है, रेहड़ी पटरी साइड पे बिकता है, जितना भी मतलब मान लीजिए इसको अच्छे अच्छे लोग ये शर्ट खरीद के और यूज करते हैं, ठीक है। और रहा सवाल, और इसमें बहुत सारा कलर, बहुत सारा डिज़ाइन,
और बहुत सारा साइज, जैसे मान लीजिए चार साइज में हम बनाते हैं, जैसे आपका मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया और एक्सेल हो गया। लेकिन अब हम पहले तो ये चीज़ नहीं करते थे कि साइज बाई साइज अलग करते थे, लेकिन इस बार से क्या करने जा रहे हैं सर, क्योंकि मेरा कंपनी एक महीना बंद हो गया था, और इस बार से क्या करने जा रहे हैं, इस बार से करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कोई आपके व्यूअर अगर मान लीजिए किसी स्मॉल साइज का मांगते हैं 100 पीस या 50 पीस, तो सिर्फ उनको हम स्मॉल देंगे। अगर कोई मिला के जैसे बोलते हैं कि 20 पीस हमको स्मॉल चाहिए, 20 पीस मीडियम चाहिए, 10 पीस लार्ज चाहिए, तो जो साइज वो मांगेंगे बस अब वही साइज उनको जाएगा। ये नहीं कि वो मांग रहे हैं स्मॉल और हम दे रहे हैं एक्सेल, ठीक है, वो नहीं होगा। जो उनका साइज का रिक्वायरमेंट होगा वही साइज हम यहाँ से माल भेजेंगे। तो ये जो 1750 में कितना शर्ट मिलने वाला है? 50 शर्ट सर, 35 रुपये का शर्ट आएगा, वो 1750 रुपये लगाएंगे। देखिए, और दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अदर जगह पे क्या है कि बताने स्टार्टिंग के टाइम पे बोल देता है कि हम आपको 35 में दे देंगे, और जब उसके पास जाइएगा ना तो रेट बदल देता है। तो वो सब चीज़ मेरे यहाँ पे नहीं होता, मेरे यहाँ पे जो बताया जाता है वही रहने वाला है। कोई कस्टमर भी आता है तो उनको 35 रुपये ही लगता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर GST भी इंक्लूड है, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड है, और पैकिंग जो बोरी पैकिंग होता है उसका भी कोई अलग से हम चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कि किसी जो बिहार का कस्टमर होंगे उनके यहाँ पे क्या है कि बस से माल जाता है, ठीक है, तो बिहार के जो कस्टमर होंगे यहाँ से बस स्टैंड तक का खर्चा मेरा होगा, सिर्फ उनका जो बस में जो माल डलाएगा और बस से जो उनके यहाँ तक माल जाएगा सिर्फ उनको वही खर्चा देना। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट से माल मंगाते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट तक माल डालने का मेरा खर्चा होगा, और उसके बाद जब उनके यहाँ पे माल पहुँच जाएगा तो वो माल सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके अपना माल वो रिसीव कर लेंगे। तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज उनको देना होगा, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं है। बार बार हम यही चीज़ बताना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये शर्ट हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि शर्ट मतलब दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का शर्ट आ जाएगा, इस टाइप का शर्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए, अभी शर्ट छटा रहा है, इसके बाद आयरन होगा, वॉशिंग होगा, बहुत बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, शर्ट आएगा, देखिए टेक में इस टाइप का भी शर्ट आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का भी शर्ट आ जाएगा। देखिए, और दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे शर्ट पे साइज भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि बिना खोले कस्टमर को पता नहीं चलता कि किस साइज में शर्ट है, ठीक है। तो जो भी साइज रहेगा सबसे देखिए साइज लिखा हुआ रहेगा, जो भी शर्ट रहेगा सबसे साइज लिखा हुआ रहेगा। देखिए, जैसे ही आपका मीडियम साइज का शर्ट है, ठीक है, M का स्टिकर लगा हुआ है, देखिए इस टाइप का शर्ट आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का शर्ट आ जाएगा। और सारा जो भी शर्ट होगा ना सर, जो भी शर्ट होगा लगभग 90% तक कॉटन शर्ट ही होगा। अब गत्ता लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, जैसे ये एक्सेल साइज है, ठीक है, एक्सेल साइज का शर्ट है, इसके ऊपर अब गत्ता लगेगा। जैसे ये देखिए, ये आपका लार्ज साइज है, तो इसके ऊपर काम होगा और इसके ऊपर गत्ता लगेगा। किस टाइप से गत्ता लगता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए, इस टाइप का शर्ट आएगा, एम साइज शर्ट, ठीक है, ऑनलाइन उधर से लेंगे तो पैक टाइप हो जाएगी, ठीक है। और ये हम बता देना चाहते हैं कि हम आपको पैकिंग का भी प्रोसेस दिखा देंगे, किस टाइप से मेरे यहाँ पे पैक होता है और किस टाइप से सिलाई होता है, ठीक है, किस टाइप से आयरन होता है, सारा कुछ दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है सर कि कोई मेरे यहाँ पे 1750, सिर्फ हम ये बोलना चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ से एक बार मंगा के देखिए, सैंपल देखिए, और उसके बाद देखिए ये जो है अभी देखिए, इसमें ना ही स्टिकर लगा है ना ही टैग लगा है, और जब स्टिकर टैग लग जाएगा तो अभी भी मेरा ये कंफ्यूजन है आपके साथ और मेरे व्यूअर्स भी कि आप 35 रुपये में शर्ट बेच कैसे रहे हैं। जैसे सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो ये शर्ट है ये आपका सरप्लस शर्ट है। सरप्लस मतलब क्या, मैं भी नहीं समझ पा। नहीं, सरप्लस मतलब क्या ये भी हम आज कस्टमर आपके व्यूअर को अच्छे से बताएंगे कि सरप्लस का मतलब क्या। जो भी ये जो शर्ट होता है ना सर, ठीक है, जहाँ पे भी पानी का किल्लत है, जैसे बहुत सारा फॉरेन कंट्री है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं वैसे वो लोग कपड़ा डस्टबिन में डालते हैं। तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी है जो वो लोग वो सब चीज़ को इकट्ठा करते हैं और उसको वाश करके देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वहाँ से परचेज करते हैं, जो भी मेरा माल आता है कोरिया से माल आता है, ठीक है, कोरिया से बड़ा बड़ा मतलब है, यहाँ से मेरे यहाँ पे जो भी माल मिलेगा अधिकांश माल आपको कोरिया का ही मिलेगा। देखा था उस पर हांगकांग लिखा हुआ, हाँ वही, जैसे ये देखिए ये शर्ट है, ये श्रीलंका का शर्ट है। तो जैसे ही सब शर्ट जाएगा तो सारा मेरा देखिए ये जो शर्ट है ये देखिए ये मेड इन इंडिया है, ठीक है,
मेड इन श्रीलंका, मतलब कहने का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके पास कपड़े आते हैं। देखिए ये बांग्लादेश का है, मेड इन बांग्लादेश। क्वालिटी, इसका वैरायटी, तो ये 3500 में आपको मिल जाएगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और इसको नए में की तरह भी पहना जा सकता है, इसको कोई कह नहीं सकता कि ओल्ड शर्ट है। और दिन का हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे 20 शर्ट, ठीक है। अगर सुबह से शाम 300 रुपये खाते हैं या खुद भी बैठ के 20 शर्ट बेचते हैं तो 700 रुपये का उनको मार्जिन होगा, 35 रुपये एक शर्ट पे बचेगा, 20 शर्ट में 700। अगर वो आदमी 20 शर्ट बेच लेते हैं तो 1050 हो जाएगा। जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन होगा। और ये जो आइटम है एकदम बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, जैसे बहुत सारा आइटम होता है ना कि अपने जगह नहीं बिक रहा है, ये जो आइटम है जितना भी शर्ट आपको दिखाया जा रहा है ये सब शर्ट बहुत ज़्यादा बिकने वाला शर्ट है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत लोगों का कमेंट आता है, ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट आता है आपके चैनल पे, तो ये मेरा पहला दूसरा वीडियो है, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आता है कि इतना मतलब बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए, बताने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये सब, देखिए ये सब जो है मेरे यहाँ का बिल्टी है। इसको आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके चैनल के जो भी रहेंगे, आपके जो व्यूअर रहेंगे, वो आपके चैनल पे भरोसा करते हैं, तभी आपके चैनल पे आएंगे और आपके चैनल के माध्यम से मेरे यहाँ से परचेज करेंगे, ठीक है। तो आपके चैनल पे अगर भरोसा करते हैं तो समझिए वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, और आप हम पे भरोसा कर रहे हैं तब मेरे यहाँ पे आज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो हैं इसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, सारे के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कम से कम 5-7 की, आप देख पाएं कि कहाँ कहाँ तक माल जाता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मारवाड़ी और सिंधी जो दोनों को माल बेचते हैं वो होता है गुजराती, और ये गुजरात में भी माल बेचते हैं। तो सोच लीजिए कि इनका माल कहाँ कहाँ तक जा रहा है और कैसे कैसे सप्लाई कर रहे हैं। रेट इतना सस्ता, रेट इतना चीप, क्वालिटी इतना बढ़िया कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि ये मतलब सरप्लस का शर्ट है। और जैसे कि बोलना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो बिहार के लोग हैं, ठीक है, तो वो मेरे यहाँ पे हम हर लोगों को बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम आइए, मेरा फैक्ट्री विजिट कीजिए। बहुत लोगों का क्या है ना सर कि वो बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन वो लोग आज तक अपना फैक्ट्री नहीं दिखाए हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है सर, आप हमको बताइए। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि हम आपको अभी मशीन दिखा रहे हैं, कैसे मेरा प्रोसेस में काम होता है वो दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर हैं, ठीक है, हमसे माल लेके गए आगे माल बेचे, ठीक है, तो उसमें भी मतलब बहुत लोग हैं और बोलते हैं अपने आप को मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर का मतलब वो लोग तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ माल हमसे लेके गए, ठीक है, कुछ माल अपने ही ऐसे ही मतलब मार्केट से लेके, लोकल मार्केट से लेके पैक कर लिए और दोनों मिला के बेचे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मार्केट ख़राब होता है, मार्केट में लोगों को लगता है क्या कि सब लोग ऐसे ही करता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं करता सर, लेकिन एक लोगों के कारण सब लोग बदनाम हो जाता है, होता है कि नहीं। ये तो जेन्युइन चीज़ है कि एक लोग भी गलत करता है तो उसको देख के सब लोग बोलता है कि सब गलती हो गया। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये बंडल्स जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनके सारे बंडल्स हैं, ये एक्चुअली ये बाहर का सरप्लस शर्ट ही है इनके पास। उसके बाद इन्होंने कारीगर लगा रखे हैं, उसका कटिंग का अलग कारीगर है जिसको कि काट के उसको छोटा करता है, सिस्टम में लाता है। उसके बाद स्टिचिंग का काम है, प्रेस करने का काम है, इसके बाद ये डाई का काम है, उसके बाद ये पूरा फोल्डिंग का मतलब सारा चीज़, सारा काम मैं खुद देख रहा हूँ। और आप मेरे वीडियोज़ को जानते हैं, रेलेवेंट और ऑथेंटिक चीज़ ही हम लाने का कोशिश करते हैं। खुद मैं विजिट करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, उसके बाद ही हम वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ तक जो बताया है बिल्कुल रेलेवेंट है, सही है। अगर आप आना चाहते हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के नज़दीक आइए,
और इनसे मुलाकात कीजिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सारा देख लीजिए। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक बार कोई ले गया, नेक्स्ट टाइम का परचेस वो कैसे करेगा? सर नेक्स्ट टाइम से देखिए, अगर मान लीजिए अभी हम दो तीन चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यूअर आपके 50 शर्ट ले गए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं सर कपड़ा है, ठीक है, 50 का 50 नहीं बिकेगा, 4, 5, 10 हो सके उनके पास रह जाता है, ठीक है, फिर वो दोबारा 50 शर्ट ले जाएंगे तो उसमें जब मिलाएंगे तो 2-4 शर्ट बचेगा, जितना भी बचेगा उसका मेरे पास रिप्लेसमेंट भी रहेगा, ठीक है, जो भी शर्ट अगर उनके पास, क्योंकि अब इतना ज़्यादा चेकिंग कराते हैं ना सर कि कटा फटा तो जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर जो पीस बच जाता है, ठीक है, जो पीस उनका नहीं बिकता है बच जाता है, उस पीस के बदले हम दूसरा उनको पीस दे सकते हैं। अच्छा, तो गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि रिप्लेसमेंट भी है इनके पास, और अगर कटा फटा हो क्योंकि ये सेकेंड हैंड शर्ट है तो उसके लिए क्या है ऑप्शन? हाँ, कटा फटा नहीं होगा सर, क्योंकि मेरे यहाँ पे 7 प्रोसेस से चेक होता है, 1-2 प्रोसेस से नहीं, 7 जगह से चेक होता है, और सबसे लास्ट में आता है पैकिंग, ठीक है, जब 7 जगह से चेक होता है तो हर जगह पे अगर एक शर्ट को उठाएंगे और हर जगह पे 7 जगह पे चेक करेंगे तो एक जो सुई का मतलब जो सुई का दाग होता है वो भी नहीं रहता। हाँ, तो गाइस आपको बता दूँ, इनके जो मैंने देखा है 35 रुपये में सुबह का नाश्ता किसी होटल में करना बड़ा मुश्किल है, और उतने में ये 35 रुपये का शर्ट दे रहे हैं। 35 रुपये लगा के लगभग 100% आप प्रॉफिट बना सकते हैं एक शर्ट के ऊपर, अगर आप सही ढंग से इसको काम करते हैं, हर कोई आपका शर्ट हाथों हाथ लेगा, रेट इतना जेन्युइन इतना कम है सर, वो आराम से ज़्यादा महंगा नहीं बेचें, ज़्यादा अगर उनको बेचना है, ज़्यादा पैसा कमाना है तो 75 रुपये में बेचें, क्या ज़रूरत है सर 100 रुपये में 10 पीस बेचने से, और 75 रुपये में बेचते हैं तो 30 पीस ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और यहाँ माल का कभी भी उनको कमी नहीं रहेगा, जितना वो मांगेंगे उतना भी माल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि आपके यहाँ शर्ट के अलावा और क्या क्या बनता है? सर देखिए, सबसे पहले तो आज इस वीडियो में भी हम यही बोलेंगे कि आपका चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे यहाँ पे और भी बहुत सारा, अभी कम से कम सर मेरे यहाँ पे 20 आइटम है, ठीक है। अच्छा। अभी जैसा आपका मतलब ठंडा का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो ठंडा में भी बहुत सारा आइटम है, ठीक है, उसके बाद गर्मी का भी 35 रुपये में मेरे पास 4 आइटम मिलता है सर, ठीक है, आइटम बता देते हैं, 35 रुपये का 4 आइटम, वो क्या है? ठीक है, और भी आइटम है, जैसे मान लीजिए कि टी शर्ट हो गया, ठीक है, ट्राउजर हो गया, लोअर जिसको लोअर नाइट पैंट ट्राउजर जिसको बोलते हैं, पूरा फुल ट्राउजर, वो 35 रुपये का, ठीक है, तो वो इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं कि उसका आप अलग से वीडियो बनाइएगा, ताकि लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे, तभी कस्टमर जो है, हम नहीं बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ पे आइए, सब लोगों को बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ पे पहली बार आइए, फर्स्ट टाइम आके विजिट कीजिए, जो भी लेके जाना है यहाँ देख के लेके जाइए, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से जो भी आपका ऑर्डर रहेगा, आप कहीं से भी रहिए, कहीं भी अगर आप हैं तो वहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्ट से माल जाता है, और ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, डिस्प्ले पे नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग का जो मेरा टाइम होगा वो आपका 9 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा, उसके बाद कॉल नहीं, आप कॉल कीजिएगा तो अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सैंपल चाहिए या जो भी चाहिए, या फिर आप जहाँ से हैं वहाँ का नाम लिख के मैसेज कीजिएगा, तो मेरा जो टीम में जो लोग है जो देखता है व्हाट्सएप ये सब, वो आपको 24 घंटा के अंदर वो आपको रिप्लाई करेगा, और जो मेरा एड्रेस होने वाला है आपको तो पता ही है कि यहाँ पे पटना में फोर्ड हॉस्पिटल फैमिली चेक है, उसी के पीछे मेरा फैक्ट्री है, जो कि आपका स्टेशन से भी 3.5 किलोमीटर और जो नया बस स्टैंड है उससे भी 3.5 किलोमीटर, दोनों जगह से आप मतलब यहाँ पे कस्टमर आ सकते हैं। तो गाइस आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले चीज़ कि आप हैं बिहार की राजधानी पटना में, 3.5 किलोमीटर लगभग है डिस्टेंस रेलवे स्टेशन का, और 3.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है पटना बस स्टैंड का, आने के लिए दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आइए अपना माल परचेज करिए, एक बार आके इनसे मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, फ्यूचर में आपको वो दिक्कत नहीं आने वाली है, सस्ता खरीद के सस्ता बेचना आसान है, बेचना ही बेचना नहीं है, खरीदना ही बेचना है, अगर सस्ता खरीदेंगे तो आप सस्ता बेच पाएंगे, लोग ज़्यादा आप जोड़ पाएंगे, आसानी से माल बिकेगा, क्वालिटी क्वांटिटी किसी तरह से आपको प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से नहीं आने वाला है, और इनके साथ जुड़िए, जुड़ के अपना व्यापार करिए, आगे आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा मार्जिन भी कमा सकते हैं और सेल करके अच्छा खासा इसको बिजनेस को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए लाइक करिएगा, शेयर भी करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।